हाँ, तो जब 2019 के कॉमिक कॉन में केविन फेगी ने अनाउंस किया था कि जल्दी हमें इटरनल्स के ऊपर एक मूवी देखने को मिलेगी, तो फैंस ने बेसब्री से उसका इंतजार करना शुरू कर दिया था। और उसी इंतजार का कोरोना ने इतना ज्यादा साथ दिया कि जो मूवी हमें 2020 में देखने को मिलने वाली थी, अब वो 2021 के ऑलमोस्ट एंड में देखने को मिलने वाली है, यानी 5 नवंबर को। अब आने वाले इटरनल्स के बारे में प्रॉपर तरीके से बात करें तो मूवी में हमें टोटल 11 सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे, 3-4 नहीं, पूरे 11 सुपर हीरोज, जिसमें से 10 तो इटरनल्स की टीम में है और एक उनसे अलग है। तो बस इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे के सारे इटरनल्स और उस अलग सुपर हीरो से रिलेटेड सारी बातें बताने वाला हूँ, और इटरनल्स की हिस्ट्री और ओरिजिन की स्टोरी सब जानने वाले हैं हम लोग, ताकि हम मूवी को और ज्यादा एंजॉय कर पाएं और मूवी की स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। वेल तो हे गाइस, माय नेम इज यश पांडे, यू आर वॉचिंग द मल्टीवर्स टॉक्स, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इनकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें कॉमिक्स के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा, जो मैं पहले ही पलट चुका हूं, तो तुम चिंता मत करो। कॉमिक्स में इटरनल्स की फर्स्ट अपीयरेंस इटरनल्स के इशू फर्स्ट 1976 में हुई थी। तो बहुत मिलियन ईयर्स पहले सेलेस्टियल, जिन्हें तुमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा होगा, उन्होंने दो तरीके के बींग्स को बनाया। एक्चुअली में उन्होंने दो तरीके के बींग्स को बनाया नहीं था, बल्कि सेलेस्टियल्स ने अर्थ पे आके यहाँ के लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिससे दो अलग तरीके के बींग्स पैदा हुए, इटरनल्स एंड डेवियंट्स, जहाँ दोनों ही सुपर पावर थे, इन दोनों की शक्लों में जमीन आसमान का फर्क था। इटरनल्स एकदम मस्त नॉर्मल ह्यूमंस की तरह दिखते थे, तो वहीं डेवियंट्स को तुम देख ही सकते हो। देखते देखते डेवियंट्स ने विलन्स का फॉर्म ले लिया, और इटरनल्स जिन्हें ह्यूमंस से प्यार था, उन्होंने हीरोज का। और ये चीज़ अब हमें इटरनल्स के मूवी में भी देखने को मिलने वाली है, जहाँ डेवियंट्स ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं और इटरनल्स उन्हें बचाएंगे। बात करें इटरनल्स के मेंबर्स की, तो इनमें सबसे पहले एजैक, जो इनकी लीडर है। कॉमिक्स में एजैक एक्चुअली में एक मेल है, जिसे एमसीयू में फीमेल बना दिया गया है। कॉमिक्स में एजैक बिना अपना मुंह खोले ही अपनी टीम से कम्युनिकेट कर सकती है, लेकिन एमसीयू के ट्रेलर्स में अभी तक हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। सारे मेंबर्स की तरह इसके पास भी कॉस्मिक पावर्स है। बात करें मेल कैरेक्टर्स को फीमेल में कन्वर्ट करने की, तो ऐसा एक और कैरेक्टर के साथ हुआ है, जो है मकारी। नहीं, अब एक्चुअली में मकार नहीं है, इसका नाम है मकारी। एक्चुअली में ये एक स्पीडस्टर है, क्विक सिल्वर की तरह, और कॉमिक्स में भी ये एक मेल है, यानी कि मर्द। एमसीयू में इसको फीमेल बनाने के साथ साथ इसको बहरा और गूंगा भी बना दिया गया, और मूवी में भी इसका रोल एक रियल डेफ एक्ट्रेस ने प्ले किया, जो रियली में काफ़ी अच्छी बात है। तो फीमेल कैरेक्टर्स की बात करते करते अपनी और तीन फीमेल इटरनल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है सर्सी, स्प्राइट और थीना। सर्सी, तो ये एक्चुअली में अपने ग्रुप के ये एक इटरनल के साथ इसका थोड़ा लफड़ा पड़ा है, और चूंकि ये अर्थ पे हजारों साल से है, तो अर्थ के एक और सुपर हीरो के साथ में भी लफड़े में है, और ये इस मूवी का 11वां सुपर हीरो है जो इटरनल्स की टीम में नहीं है। सर्सी के पास कॉमिक्स और मूवी दोनों ही जगह सेम सुपर पावर है, जो है मैटर मैनिपुलेशन, यानी कि ये मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है, जो हमने ट्रेलर्स में देख ही लिया था, जहाँ ये अपने हाथों से ही पानी को पैदा कर रही थी। एक्चुअली में वो अपने हाथों से पानी को पैदा नहीं कर रही थी, बल्कि वो मैटर को मैनिपुलेट करके उसको पानी में कन्वर्ट कर रही थी। स्प्राइट, बात करें स्प्राइट की, तो जब इटरनल्स का ट्रेलर आया था, तो बहुत से लोगों ने देख के सोचा था कि स्प्राइट एक्चुअली में एक लड़का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में है तो हजारों साल की, लेकिन ये दिखती किसी यंग टीनेजर लड़की की तरह ही है। इसकी पावर्स की बात करें, तो इसकी पावर्स थोड़ी बहुत सर्सी से मिलती हैं। एक्चुअली में सारे इटरनल्स की पावर्स थोड़ी बहुत एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब जैसे मैटर के साथ खिलवाड़ वगैरह करना, और जैसे टेलीपैथी पावर्स। स्प्राइट एक्चुअली में कॉमिक्स में काफ़ी नटखट स्वभाव की बालिका है, और ऐसा कुछ हमें शायद मूवी में भी देखने को मिलेगा। कॉमिक्स में स्प्राइट भी मेल है, और शायद ये रीज़न है कि सब ने इसको ट्रेलर्स में देखकर पहली बार में एक मेल ही समझा था। थीना, बात करें मैडम की, तो इनका रोल एंजेलिना जोली ने प्ले किया है। मूवी ट्रेलर्स में देख के ऐसा लग रहा है कि थीना शायद कुछ भूल सी गई है, इसकी यादाश्त चली गई है, क्योंकि इटरनल्स के फाइनल ट्रेलर में एक ऐसा सीन आता है जहाँ ये अपने ग्रुप के एक मेंबर पर अटैक करती है। अब वो मेंबर अटैक को डिफेंड तो कर लेता है, लेकिन जिस हिसाब से ये सबसे हेलो हाई कर रही थी, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये शायद भूल गई है कि ये लोग कौन है। थीना का कॉमिक्स में इटरनल्स के एकदम मस्त विलन क्रो, जो कि डेवियंट है, उसके साथ एकदम मस्त वाला रिलेशन है, पीएचएफपी वाला, और ये चीज़ मूवी में भी हमें शायद देखने को मिलेगी। नहीं, ये कॉमिक्स में मेल नहीं है। इसकी पावर्स कुछ ऐसी हैं कि ये कॉस्मिक एनर्जी को अलग अलग वेपन्स में कन्वर्ट कर सकती है, और मूवी में भी इसको चेंज नहीं किया गया। अब आए मेल कैरेक्टर्स पर, तो उनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रेक की। तो देखो, ड्रेक ग्रुप का वो वाला बच्चा है जिसका सबसे झगड़ा होता है कुछ गलत काम करने की वजह से, क्योंकि देखो ये इधर उधर कभी कभार निकल जाता है,
इसके पास भी कॉस्मिक पावर्स हैं और ये चाहे तो दूसरे लोगों से खुद को इग्नोर करवा सकता है। मतलब ये गायब नहीं होगा, लेकिन तब भी तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पीछे खड़ा होकर तुम्हारे सर पर टपली मार रहा है गिलगमेश। गिलगमेश के पास एकदम मस्त अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल वाली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और बाकी इटर्नल्स की तरह ही रीजनरेटिव हेल्थ और टेलीपैथी जैसी पावर्स है। ये वही आदमी है जिसके ऊपर थीना ने फाइनल ट्रेलर में अटैक किया था, फास्टोस। तो भैया ये एमसीयू का सबसे पहला गे सुपर हीरो है, नॉट इन कॉमिक्स बट ओनली इन एमसीयू। ये इटर्नल्स का टोनी स्टार्क है, मतलब इसका माइंड उसके जैसा है, हाई आईक्यू वाला। ये अपने हाथों से कॉस्मिक एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है, जो हमने ट्रेलर में देख लिया है। इसने एमसीयू में एक बच्चे को अडॉप्ट भी किया है और शायद सबसे मस्त जिंदगी यही जी रहा है। किंगो, तो देखो जब मैंने कहा था कि फास्टोस सबसे मस्त जिंदगी जी रहा है तो मैं गलत था, किंगो सबसे ज्यादा मस्त जिंदगी जी रहा है। तो ये कॉमिक्स में एक्चुअली में एक जापानीज एक्टर है, लेकिन एमसीयू में इसको एक बॉलीवुड एक्टर बनाया गया है और मूवी के ट्रेलर्स में ये हमें बॉलीवुड के स्टाइल में एकदम मस्त डांस परफॉर्मेंस करते हुए भी दिखा है किसी बॉलीवुड मूवी में शायद। तो हो सकता है कि इंडिया के भी कुछ सीन्स हमें देखने को मिले। इसके पास भी कॉस्मिक पावर्स हैं और ट्रेलर्स में ये उसका यूज करते हुए दिखा है, जहां ये उनको हाथ से प्रोजेक्ट कर रहा था अटैक करने के लिए। इकारिस, तो ये है ग्रुप का हीरो नंबर वन, मतलब वो वाला बच्चा जिससे सब बात करना चाहते हैं, जिसको सब पसंद करते हैं। इसकी पावर सुपरमैन से थोड़ी बहुत मिलती हैं, मतलब ये उसकी तरफ उड़ सकता है और अपनी आंखों से लेकर बीम फायर कर सकता है, जो हमने ट्रेलर्स में देख ही लिया है। ये वही है जिसके साथ सरसी रिलेशनशिप में, मैंने कहा था ना कि वो अपने ही किसी ग्रुप के बंदे के साथ रिलेशनशिप में है, तो हाँ ये वही है। और मूवी में भी शायद हमें ये दिखाया जाएगा, क्योंकि कुछ शादी के सीन्स मूवी में दिखाए गए थे हमें इकारिस और सरसी के साथ। तो देखो सारे इटर्नल्स की बात हो गई, लेकिन उसके अलावा भी हमें इस मूवी में एक और सुपर हीरो देखने को मिलेगा, जो है ब्लैक नाइट। कॉमिक्स के पन्नों को पलटोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कॉमिक्स में ब्लैक नाइट थॉर को भी हरा चुका है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। ये जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन है और इटर्नल के मेंबर सरसी के साथ रिलेशनशिप में है, जो मैंने अभी तुमको पहले बताया था। ये एकदम मस्त वाला स्किल्ड फाइटर है और इसका रियल नाम एक्चुअली में डेन विटमैन है। मूवी के सारे कैरेक्टर्स की बात तो हो गई, अब उसकी बात कर लेते हैं जिन्होंने मूवी को डायरेक्ट किया है, और वह है क्लोई ज़ाओ। तो क्लोई ज़ाओ एक काफ़ी अच्छी डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने मार्वल टाइप की मूवीज़ को डायरेक्ट नहीं किया है, तो ये मूवी में क्या करेंगी ये देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मूवी की स्टोरी की बात करें तो इटर्नल्स एक्चुअली में अर्थ पर हज़ारों साल पहले आए थे ह्यूमंस को डेविएंट से बचाने के लिए। इन्हें सेलेस्टियल्स ने मना किया था कि भैया देखो तुम किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करोगे, किसी वॉर किसी भी लफड़े में इंटरफेयर नहीं करोगे ह्यूमंस के, जब तक मामला डेविएंट्स का ना हो। और अब जब अवेंजर्स सबको वापस ले आए थे, तो उनके स्नैप की वजह से जो इन्फिनिटी स्टोन से किया गया था, इतनी एनर्जी पैदा हो गई, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, जिससे एमरजेंस नाम का कोई इवेंट स्टार्ट हो गया है, जो मुझे लगता है कि डेविएंट्स का जागना होगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि हज़ारों साल से डेविएंट्स अर्थ पर ही सो रहे थे और अब एमरजेंस के स्टार्ट होने के चलते वो वापस जाग गए और ह्यूमैनिटी को वापस ख़त्म करना चाहते हैं। ये सब के साथ साथ सेलेस्टियल्स भी हमें मूवी में देखने को मिलेंगे। इटर्नल्स इंडिया में 5 नवंबर को रिलीज़ होगी और इसे देखने के लिए मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके साथ तुम इटर्नल्स की मूवी देखने जाने वाले हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके मुझे प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर सकते हो तुम। ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।